हाय फ्रेंड्स, यज्ञेश हियर, होप यू रिमेम्बर मी। आपने कुछ नोटिस किया कि नहीं, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट 23 अगस्त 2018 को हुआ था और आज 24 दिसंबर 2018 है। यह है मेरे 23 अगस्त का कंडीशन और यह है मेरे आज का कंडीशन। 2000 ग्राफ और 4 महीने की मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कुछ ऐसी है। ट्रांसप्लांट के पहले एक फियर था कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने किसी और से ट्रांसप्लांट किया था और उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया था। तो मुझे भी एक फियर था कि मेरा भी रिजल्ट आएगा कि नहीं, फिर पेन का फियर और ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, ये सारे फियर थे। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 120 दिन हो चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही से क्लिनिक चुना है तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सिंपल और सेफ प्रोसेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट भी आता है। बाल बिल्कुल नेचुरली ग्रो होते हैं। इनफैक्ट मैं 2 बार हेयर कटिंग भी कर चुका हूँ। हेयर ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, कोई हेडेक या इचिंग नहीं है। पहले दिन के थोड़े स्वेलिंग को अगर छोड़ दे तो अब तक कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। मेडिसिन लेना और केयर लेना भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इनफैक्ट 10 दिन के बाद मैं दोबारा क्लिनिक भी नहीं गया हूँ। मैंने कोई PRP भी नहीं की है और मेरा हेयर लॉस भी बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, एक चेंज तो हुआ है, मेरे लाइफ, मेरा कॉन्फिडेंट और डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स काफ़ी बदल चुके हैं। द वे माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लुक टूवर्ड्स मी हैज़ बीन चेंज। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन। सो डू ट्रांसप्लांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू एडॉन क्लिनिक, दे आर बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री फॉर देयर केयर, ट्रीटमेंट, सर्विस एंड रिजल्ट्स। जो आपने देख ही लिया है। वेट वेट वेट, दिस इज नॉट अ कम्प्लीट रिजल्ट। डॉक्टर सेज की मोर 20% डेंसिटी विल इम्प्रूव। तो आगे के रिजल्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए।